हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप कई बड़े बड़े नंबर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो प्लीज बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और दबाइए बेल आइकन मेरे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। इस ट्रिक को बताने के लिए मैंने यहाँ पर 4 नंबर्स लिए हैं, 853, 579, 652 एंड 321। तो फ्रेंड्स, जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा ऐड करने का, उसमें हम किस तरह से ऐड करते हैं? 3912, 12 to 14, 14 to 15। कुछ स्टूडेंट्स को 9 या 10 के आगे काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये ट्रिक बनाई गई है। इस ट्रिक का रूल ये है कि जैसे ही हम 9 के ऊपर बढ़ेंगे, जैसे ही हमारा सम 9 के ऊपर जाएगा, तो हम लेफ्ट डिजिट को वहीं छोड़ देंगे और राइट डिजिट को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। 3912, 12 हमारा 9 से एरो हो गया, देखिए 1 2, इस तरह से 12 मैंने लिख लिया। लेफ्ट डिजिट बने, इसको यहीं छोड़ देंगे और 2 को लेके आगे बढ़ जाएंगे। 2 to 4, 4 1 5, यहाँ पे लिखूंगा 5। इस 1 का क्या करना है, इस 1 को इस सेल में मूव करना, जिसको हम नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे। 1 5 6 6 7 13, 13 9 से अबव हो गया, तो इसको यहाँ ऐसे राइट कर लेंगे। लेफ्ट डिजिट बन है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे और 3 को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। 3 5 8 8 2 10, 10 फिर से 9 के अबव हो गया, तो 1 यहाँ एंड 0 यहाँ, 1 को यहीं छोड़ देंगे और 0 को यहाँ पर। अब 1 और 1 ये क्या क्या करेंगे, इन दोनों को यहां मूव करके लाएंगे। 2 1 + 1 = 2, 2 को इस कॉलम में ऐड कर देंगे। 2 8 10, फिर से 9 से पहुंच गए, तो 1 यहां पर, 0, 1 को यहीं छोड़ देंगे, 0 को लेके आगे बढ़ जाएंगे। 0 5 5 5 6 11, फिर से 9 से अब हो गया, 11 यहाँ लिख देंगे। लेफ्ट वाले 1 को छोड़ देंगे, राइट वाले 1 को लेके आगे बढ़ जाएंगे। 1 3 4, और लेफ्ट साइड में ये जो 1 और 1 है, इनको ऐड करके अब आगे मूव करने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो इन दोनों 1 को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे 2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ऐड हो गया। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके पुनः देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इस एग्जांपल में मैंने 5 डिजिट नंबर्स लिए हैं। मेथड हमारा वही रहेगा, स्टार्ट करते हैं यहां से। 8 4 12, 12 इज मोर देन 9, 12, 1 को छोड़ दिया, 2 5 7 7 2 9, यहाँ 9 आ गया। इस 1 को मूव करेंगे इस कॉलम में, 1 1 को ऐड करेंगे, 1 6 7 7 4 11, इस तरह से 11, 1 3 4 4 1 5, 5, इस 1 को मूव करेंगे इस कॉलम में, 1 5 6 6 9 15 15, 5 5 10, 0 8 8, इस 1 और इस 1 को मूव करेंगे इस कॉलम में, 2 2 8 10,
ये 10 हो गया, 0 7 7 7 6 13 लाइक दिस, 13 3 7 10 इस तरह से 10 लिखेंगे। अब इस जीरो को लेके आगे बढ़ जाएंगे, जीरो यहां पर राइट कर देंगे, 1 1 1 इनको मूव करेंगे इस कॉलम में, ये आए 3 3 2 5 5 5 10 इस तरह से 10 लिखेंगे यहां पे। इस 1 को यहीं पे छोड़ देंगे, 0 को लेके आगे बढ़ जाएंगे, 0 5 5 5 3 8 8 हो गया। अब ये आपका 1 बचा है, इस 1 को मूव करने के लिए आगे जगह नहीं है तो इस 1 को यहां पर हम लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी एड हो गया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल मेथड है, पहली बार समझने में आपको हो सकता है कि ये कुछ डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब 4 से 10 क्वेश्चन आप इस मेथड से करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.